आपके शहर के युवा लेके गए। ये मारवाड़ी युवा मंच के लोगों ने एक प्रोग्राम किया कि यहां छत्रपति महाराज शिवाजी की मूर्ति है, उस पर माल्यार्पण करना था। तभी मुझे लगा कि आपको यह बात जरूर बताऊं। ऐसे लोग थे, उन दो लोगों की सोच को देखिए, उन्हीं लोगों ने उसी संविधान के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की भी तस्वीर है, उसी संविधान में भारत के पूरब से निकला हुआ एक आदमी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को 21 अक्टूबर 1943 में ऐसी चुनौती दी और पूरे देश को आजादी की घोषणा की, खुद प्राइम मिनिस्टर बना, दुनिया के 11 राष्ट्रों ने उसे मान्यता दी, उस सुभाष चंद्र बोस की भी तस्वीर उसके अंदर, भगवान कृष्ण भी उसी में है। ये वो भगवान कृष्ण है, समझने की कोशिश कीजिए। ये कथावाचकों को आप जब सुनेंगे तो भगवान कृष्ण आपको लगेंगे लीला करते हुए, माखन चुराते हुए, गोपियों के कपड़े ले जाकर के पेड़ों पर बैठ, ऐसा रूप पाखंडी क्रिएट किया है जो था नहीं। भगवान कृष्ण वो आदमी थे कि जब अर्जुन अधर्मी अत्याचारी और आतंकियों के खिलाफ धनुष बाण उठाने से हाथ पैर उसके कप कपा रहे थे और वो असमंजस में था कि मैं करूं या क्या ना करूं, बार बार कृष्ण से पूछता था कि ये तो मेरे अपने, तब कृष्ण ने कहा कि तेरे अपने भी हैं, इनका डीएनए अगर तेरा भी है तो भी यह धर्मी इनका नाश कर, धनुष उड़ा और इन्हें मार। उस कृष्ण भगवान की तस्वीर भी इसी संविधान में है। अगर यह सब आपको पता होता तो आपकी जनरेशन कायर बनती है।